वालेकुम नमस्ते सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मेरी दुआ है आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हमें अपना प्यार दिखाते रहें। मेरा नाम है साबिर सुल्तान जी। मेरा नाम है बाबर सुल्तान और मेरा नाम है सादिक, और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हाजिर एक नई और एक्साइटिंग वीडियो के साथ। वीडियो है जी विकास दिव्यात्री सीएम योगी आदित्यनाथ और उस उनके बारे में एक वीडियो है, बहुत ही जबरदस्त वीडियो है। आइए मिलकर देखते हैं ये वीडियो, फिर उस पर करते हैं अपना रिएक्ट। हमारे रिव्यूज जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। एक इल्जाम भी लगता है विकास दिव्यकीर्ति जी। इल्जाम? हाँ मैं आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। ठीक है भाई, आप जनता पूछ रही है, आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर अपनी प्रतिक्रिया बता दीजिए। जब योगी जी को सीएम बनाने का फैसला हो रहा था, उस समय दो तीन उम्मीदवार थे और मैं दिल से चाहता था कि योगी जी सीएम ना बने। हाँ, मैं बहुत खुल के अपनी बात कहना पसंद करूंगा। मैं दिल से चाहता था कि योगी जी सीएम ना बने, क्योंकि मेरे मन में उनकी छवि थी कि वो एक मठ वाले आदमी हैं और धर्म का आदमी सीधा राजनीति चलाएगा तो उतना अच्छा नहीं होगा। लेकिन पिछले 5-7 साल के कार्यकाल में एकाध मुद्दे पर मुझे कभी कभी लगता है कि कानून का शासन कितना बचता है कितना नहीं बचता है, लेकिन परफॉर्मेंस पे देखूं तो मैं कहूंगा कि वो एक शानदार मुख्यमंत्री हैं, ये कहने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अब उत्तर प्रदेश तक पहुंच गए हैं तो बिहार का रुख कर लेते हैं। बिहार के दो बड़े और चर्चित नेता, मैं उन दोनों पर आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा। पहले लालू प्रसाद यादव। इन्होंने मेरी सुपारी ली है मुझे लगता है और आज ये मुझे मरवा के माने। अरे नहीं मेरा पिछले कुछ साल में नीतीश कुमार वहां मुख्यमंत्री हैं और मैं जनरली ये मानता रहा हूं कि वो काफी अच्छे मुख्यमंत्री हैं। नए लोगों में तेजस्वी यादव से मुझे काफी उम्मीद है और मुझे लगता है कि वो जो लालू जी के समय की बातें थी कि जंगल राज होगा वो सब होगा, इस बार जब ये पार्टी सरकार में आई तो मुझे चिंता थी, लेकिन मैंने देखा कि पिछले कुछ महीनों के शासन में उन्होंने बहुत ताकत लगाई है कि वो छवि फिर से ना बन जाए। और अगर तेजस्वी यादव उन गलतियों से मुक्ति के साथ मुख्यमंत्री बनने के रास्ते पर हैं तो मेरा ख्याल है कि बिहार के भविष्य के लिए वो एक अच्छे नेता साबित होंगे जी। मैं ये आखिरी प्रश्न है इस सत्र का, कई लोग ये इल्जाम लगाते हैं कि यूपीएससी की तैयारी कराने वाले और जो यूपीएससी में सिलेक्ट हो गए हैं, दोनों लोग एक सेमी गॉड से हो गए हैं, डेमी गॉड से हो गए हैं, बहुत ज्यादा ग्लोरीफाई कर दिया गया है। ऐसा लग रहा है कि अगर आपने आईएएस नहीं निकाला तो कुछ नहीं किया, और आईएएस निकाल लिया तो आप सब कुछ हो गए हैं। जो सिविल सर्वेंट सिलेक्ट होते हैं उनकी रील्स वायरल होती हैं, प्रशासनिक कार्यों से इतर वायरल होती हैं, ब्यूरोक्रेसी में इसको लेके बहुत नाखुशी जताई जाती है कि आप इन सब चीजों को लेके क्यों इतना लाइमलाइट में आ रहे हैं। मॉक इंटरव्यूज को लेके, सफल कैंडिडेट्स के इंटरव्यूज को लेके, लबासना में जिंदगी कैसी होती है, बहुत ज्यादा ग्लोरीफाई कर दिया गया है। और बहुत सारे छात्र हैं जो रात दिन ये रीलें ही देखते रहते हैं पढ़ाई छोड़कर। क्या कहेंगे इस पे? मतलब इस पे दो बातें हैं कि जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनकी रील्स, टीचर्स जो हैं उनकी रील्स क्यों बनती हैं। कोविड के दौर में जब हमने यूट्यूब पे कुछ आना शुरू किया तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि ऐसा होगा, क्योंकि एक सामान्य समझ ये है कि हिंदी समाज पढ़ाई को लेकर बहुत उत्सुक नहीं रहता है, एक सामान्य समझ ऐसी है और हमें भी लगता था। और मुझे ये बात हजारों बार कही गई है कि हिंदी समाज में पढ़ने की इच्छा है ही नहीं। जब मैंने अपने वीडियोस यूट्यूब पर डाले, लंबे वीडियो 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे का वीडियो भी, 6 घंटे का वीडियो भी डाला, तो मुझे यूट्यूब के धुरंधरों ने कहा कि 27 मिनट से ऊपर वीडियो डालेंगे तो पिट जाएंगे। मैंने बहुत कोशिश की छोटा करो, मुझे छोटा होता ही नहीं वीडियो, मैं विस्तार में ही बात करना पसंद करता हूं। लेकिन मैंने देखा कि जो वीडियो 3 घंटे 4 घंटे का वो भी 2 करोड़ 3 करोड़ 3.5 करोड़ लोगों ने देखा। तो मैं एक बात तो आपसे कहना चाहता हूं कि पिछले 3 साल में मेरी धारणा ये बन गई है कि हिंदी का समाज भी ज्ञान का, समझ का, पढ़ाई का उतना ही भूखा है जितना कोई भी सभ्य समाज होता है। और यदि और
और यदि मेरे जैसे कुछ लोग जिनमें मैं भी संयुक्त से शामिल हो गया हूं इसमें कुछ भूमिका निभा रहे हैं तो ये स्वागत की बात है। नंबर वन, कोविड ने क्या किया कि जो वीडियोस पॉपुलर होते हैं उनके क्लिप निकाल निकाल के कई चैनल्स ने क्लिप्स डालनी शुरू की। मुझे मेरी टीम ने बताया कि करीब 40-50 हज़ार चैनल्स हैं जो हमारे क्लिप्स काट के चलाते हैं और पैसा कमाते हैं। हमने शुरू में एक्शन लिया एक दो बार, फिर जब उन्होंने निवेदन किया कि सर आपको इसमें क्या दिक्कत है, हम पैसा कमा रहे हैं, तो हमें भी लगा कि हमें क्या दिक्कत है, और यदि कुछ लोग कमा रहे हैं अगर इससे रोजगार बढ़ रहा है तो हमें क्या परेशानी है। अब उनका रोजगार बढ़ा और लोगों ने हमें पहचानना शुरू कर दिया। मुझे कोविड के समय में मध्य प्रदेश जा रहा था कार से एक बार, वो जिंदगी का पहला ऐसा वाकया है, एक रिमोट गांव के अंदर पेट्रोल पंप छोटा सा, वहां कार रोकी कि चलो पेट्रोल भरवा लेते हैं, डीजल भरवा लेते हैं। वहां मैं उतरा, वॉशरूम गया और वॉशरूम में साथ में खड़ा हुआ व्यक्ति कह रहा है आप विकास सर हैं? तो फिर हम कहते राइट टू प्राइवेसी। अब सोचिए हालत क्या हुई होगी उस समय। मैंने कहा भाई तुम कौन हो? तो मुझे लगा ये कैसे जानता है मुझे। तो उसने बताया कि मैंने यूट्यूब पे आपको कई बार देखा है। उस दिन मुझे यूट्यूब की ताकत का एहसास हुआ। लेकिन एक साल पहले तक केवल यूट्यूब में यूपीएससी एस्पिरेंट्स ही जनरली मुझे जानते थे, और ये जो मुझे कह रहे हैं कि आरोप लगता है उस आरोप की असली भागीदार यही है। ये पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने मुझे उस सुरंग से बाहर निकाल के एक इंटरव्यू लिया ललन टॉप पे। मैं बहुत अंतर्मुखी आदमी हूँ, बहुत इंट्रोवर्ट हूँ, पिछले साल यहाँ भी नहीं आया था इसी अंतर्मुखी होने की वजह से। इन्होंने कहा कि आपको एक इंटरव्यू देना है हमारे ललन टॉप पे। वो मेरी जिंदगी का पहला इंटरव्यू था। उसके बाद तो फिर अब आप जानते हैं, जब लोगों ने देखा तो पहचानना शुरू किया। ये बात सही है, और मुझे लगता है कि अगर टीचर्स को लोग सम्मान देने लग गए हैं इस चक्कर में तो इसमें बुरा क्या है। पढ़ाई लिखाई की कीमत बढ़ रही है तो इसमें बुरा क्या है, ठीक ही है। जी तो व्यूवर्स, वीडियो हमने देखा, वीडियो था, एक शॉर्ट क्लिप था विकास सर का, और वो बहुत जबरदस्त बातें कर रहे थे, और उनकी एक खास बातों में योगी जी का भी जिक्र था कि जब वो सीएम बनने वाले थे तो पर्सनली लोग ये उन्होंने कहा कि मैं समझ रहा था कि सीएम नहीं उनको बनना चाहिए, क्योंकि एक मठ वाला आदमी है। मठ मतलब वो जहाँ पे उनका वो जो जहाँ के वो योगी हैं, यानी कि एक मजहबी आदमी है, और लेकिन वो क्या आकर हुकूमत करेंगे, क्या चलाएंगे। और जिस तरह की प्रोग्रेस फिर आज यूपी में है तो फिर ये तो फिर दुनिया जानती है, हम जैसे लोग भी ये जान गए कि वाकई में यार कमाल कर दिया योगी जी ने परफॉर्मेंस में, और एक ऐसे ही बंदा डिजर्व करता है, बल्कि वो अब सीएम के नहीं, वो तो पीएम के कैंडिडेट बन गए हैं आने वाले टाइम पे। वो कहते हैं कि मोदी जी को रिप्लेस करने वाला अगर कोई बंदा है तो वो सीएम योगी ही है। तो बहुत ही जबरदस्त थी ये, एक चीज बड़ी जबरदस्त लगी। और दूसरा उन्होंने बताया यूट्यूब, और यूट्यूब पे देखिए, अगर पर्सनली मैं यूट्यूब पे अगर किसी भी टीचर को इतना जबरदस्त और सराहता हूँ, और जिनका वे ऑफ एक्सप्लेनिंग जो है वो सबसे बेहतर है, तो वो विकास सर हैं, और खान सर से भी बेहतर लगते हैं थोड़ा सा मुझे, और बहुत लंबी लंबी वीडियोस डालते हैं, हमने भी कई सारी इनकी वीडियोस रिएक्शन की है, बहुत अच्छा लगता है इनका इनका वीडियोस। और दूसरा देखिए, वाकई में यूट्यूब में एक ताकत जरूर है। अब हम एक साल हो गए करीबन, टाइम ज्यादा हो गया, एक साल हमारे इस चैनल को हो गया जिसपे हम लगातार वीडियो बना रहे हैं, तो जो मोहब्बत, जो पज़ीराई, जो चीजें हमने यहाँ हासिल की, एक दिन अगर हम वीडियो ना बनाए तो यकीन करें ऐसे लगता है जिंदगी का एक हिस्सा मिस हो गया, और वो कमी 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 रहती है। ये कमी डॉलर वाली नहीं है कमी, ये कमी वो है जो हम जुड़े रहते हैं, वो जो मैसेजेस आते हैं आज वीडियो क्यों नहीं आया, वीडियो लाइए, ये ऐसा वो, तो ये बड़ा ही अच्छा लगता है। और फिर ऐसा जब टीचर हो, टीचर वीडियो डाले, और उसकी तो क्या ही बात है, इनकी वीडियोस तो कमाल की होती है, हम तो जस्ट एक उन वीडियो से रिएक्शंस करते हैं अपने हिसाब से, कुछ अच्छा बोल देते हैं, किसी को अच्छा लग जाता है, कुछ किसी को बुरा भी लग जाता है, कभी हमारी बात किसी को अच्छी भली नहीं भी लगती, तो लेकिन चलता है सारा कुछ। ये एक बड़ा प्लेटफॉर्म है जो सबको रिकॉग्नाइज कर रहा है, और दूसरी तरफ से माली सपोर्ट भी हो रही है सबकी।
बात रही योगी जी की, जो उन्होंने बोला कि वो पर्सनल तौर पे चाहते थे कि योगी जी जो है वो यानी कि सीएम ना बने, क्योंकि वो उन्हें देख रहे थे एक मजहबी तौर पे, एक मजहबी नजरिए से उन्हें देख रहे थे। लेकिन जब ये बीजेपी आई है हिंदुस्तान में, यानी इक्तदार में आई है, लेकिन तब से ये वो बात हर किसी के मुंह में ये बात थी कि भाई ये मोदी जी आ गए, अब बस खैर नहीं है, ये तो कट्टरपंथी है, ये मजहबी आदमी है, ये भी जो है ये बस हिंदुओं को देखेंगे, बाकी किसी जो कम्युनिटी को ये नहीं देखेंगे, सबको दबा देंगे, ये अपने लोगों को ही ऊपर लेके आएंगे। लेकिन जब उन्होंने प्रैक्टिकल करके दिखाया तो लोगों ने कहा कि भाई मोदी जी हैं तो मुमकिन है, योगी जी हैं तो भाई मुमकिन है, योगी जी हैं। देखो अब योगी जी के इलाके में जाके देख ले, किसी भी एक 1% से आप पूछ ले, वो किसी भी कम्युनिटी से तलग रखता हो, किसी भी मजहब से तलग रखता हो, वो यही कहेगा भाई योगी जी हैं, हमें योगी जी चाहिए। मोदी जी के बारे में पूछ लें तो भाई वो कहेंगे भाई जैसे मोदी जी काम कर रहे हैं हमें तो ऐसे ही चाहिए, कि ऐसे ही हमें ऐसी सहूलतें चाहिए, ऐसे ही विकास चाहिए, ऐसे ही जैसे हम डेवलपमेंट हो रही है ऐसे ही चाहिए, क्योंकि बीजेपी से पहले कभी किसी ने ऐसी डेवलपमेंट नहीं लेके आया है जैसे बीजेपी वहां इंडिया में यानी भारत में लेके आई है डेवलपमेंट। तो योगी जी के बारे में उन्होंने बताया, लेकिन ये टीचर हैं भाई, और इनके ऐसे ऐसे यानी कि वो स्पीच आती है कि बहुत ज्यादा मोटिवेशन यानी कि मिलती है, बहुत ज्यादा आदमी को आइडिया मिलता है। एक चीज होती है जिस के बारे में इंसान को नॉलेज नहीं होता रोजमर्रा जिंदगी में जैसे, लेकिन इनकी स्पीच सुनने के बाद भी पता चलता है कि नहीं भाई आप कैसे मोटिवेशन चाहिए, कैसे हमें अपनी जिंदगी को गुजारना चाहिए, और ये बहुत अच्छी यानी कि किताब है जो बिल्कुल देखिए कि यही वजह है कि हमारे जो लोग हैं वो यही देखते थे कि यूट्यूब पे एक टीचर को फेम नहीं मिल सकता, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान के जो लोग हैं वो तालीम से मोहब्बत नहीं रखते, तालीमी लेक्चर्स को लाइक नहीं करते। लेकिन देखिए कि वहां भी जो अगर किसी ने अपना नाम कमाया है तो वो इंडियन टीचर्स हैं। आज देखिए कि उनके जो चैनल्स हैं वो दुनिया में अब टॉप के ऊपर हैं, पूरी दुनिया जो है ना उनको जो देख रही है, और मिलियंस के में ऊपर उनके जो है ना व्यूज आ रहे हैं, और लोग उनसे सीख रहे हैं, और उनमें जो है ना विकास सर, खान सर, और बहुत सारे जो लोग हैं विवेक बिंद्रा जैसे, उनके जो है ना नाम आते हैं, प्रशांत सर, बहुत सारे ऐसे जो है टीचर। अब देखिए उनमें टीचर्स में आप देखिए कि वो अपने आप के अंदर उन्होंने काबिलियत थी, और काबिलियत को उन्होंने जो है ना वो एक प्लेटफॉर्म मुहैया किया और लोग उनके साथ जुड़े, और आज लाखों नहीं करोड़ों की संख्या में जो है ना लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं, और उनकी बातों का, उनकी वीडियोस का इंतजार करते हैं। ये नहीं देखते कि भाई ये शॉर्ट क्लिप्स हैं या ये लॉन्ग क्लिप्स हैं, तो वो कहते हैं कि भाई हमें जो है ना ज्ञान मिलना चाहिए, क्योंकि आज लोग जो है ना उनके पास टाइम नहीं है, तो मोबाइल जो है ना उसने टाइम ले लिया है। तो आज बहुत सारे लोग जो ज्ञान हासिल करना चाहते हैं वो फिर मोबाइल की तरफ, यूट्यूब की तरफ ही आते हैं, और ऐसे में जब ऐसे टीचर जो हैं उन्होंने प्लेटफॉर्म बनाए रखे हैं और वहां पर लोगों को जो है ना तालीम के जेवर से रास्ता कर रहे हैं, तो उनके क्या कहने हैं जी। बिल्कुल आज देखिए कि वो आज पूरी दुनिया में पॉपुलर हैं। एक चीज, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, देखिए यहाँ के जो मौलाना लोग हैं उन लोगों का रोजगार यूट्यूब ने बंद कर दिया। उसकी वजह क्या है कि जो यहाँ सबसे बेहतरीन जो वीडियोस है, अगर कोई लेक्चर मजहबी लिहाज से भी सुनना चाहता है तो वो यूट्यूब पे अवेलेबल है, दुनिया के किसी कोने से भी ढूंढ ढूंढ के जिसको आप सुनना चाहते हैं सुन सकते हैं। लेकिन जो वो हर चीज डेली रूटीन की किसी को कहीं पे जाके सुनना पड़ती थी, वो हर चीज यहाँ पे अवेलेबल है, ये हर एक कम्युनिटी से रिलेटेड है, तो इससे बढ़कर बेहतरीन और एक खजाना है जो यहाँ पे जमा हो रहा है। जब मर्जी चाहो निकालो, देखो और एंजॉय करो। बिल्कुल, और हमें भी हमारे ये हिंदुस्तानी दोस्तों ने जो है इस तरफ रागब किया। हम पहले जो 5-6 माह जो है ना वो इसके ऊपर आते रहे, लेकिन फिर हम छोड़ गए थे, लेकिन दोस्तों ने कहा आप आइए, थोड़ा सा हिम्मत जुटाइए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और ये आने वाला वक्त जो है वो इसी के ऊपर है। आपको कुछ भी चाहिए होगा आपको इस प्लेटफॉर्म से मिलेगा, और वाकई आहिस्ता आहिस्ता जो है ना पूरी दुनिया इसके तरफ आ रही है। और ये प्लेटफॉर्म देखिए ज्ञान देने के साथ साथ, तालीम देने के साथ साथ, इलम हासिल करने के साथ साथ, ये साथ में जो है ना वो आपको जो है ना प्रोटेक्ट भी कर रहा है कि आपका जो वक्त है उसके साथ आपको जो आपका देखिए हम जॉब करते हैं तीनों भाई, जॉब के अलावा जो हमारा जितना भी टाइम है फजूल वो मोबाइल टिकटॉक रील्स ये वो यही देखने में गुजर जाएगा, फेसबुक चलाने में गुजर जाएगा। लेकिन अगर हम उस पर कुछ अच्छा काम कर लें, ये थोड़ा सा मोटिवेशनल भी मैं बात कर रहा हूँ सबके लिए जो भी हमें देखते हैं, तो
अगर हमारा टाइम कुछ अच्छा है और इस काम में हम लगा देते हैं जिससे हम कुछ अर्न भी कर सकते हैं, अर्न करने से पहले हम कुछ सीख भी सकते हैं, तो ये सबके लिए फायदेमंद टाइम रहेगा और मैं तो चाहता हूं कि सबको इस तरफ आना चाहिए। बिल्कुल, आई होप सो आज का ये वीडियो भी आपको अच्छा लगे, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए।